तो वाले सैम पाए बैक तो आज हम बात करेंगे सॉर्टेड एनालिसिस वर्फंड के एपिसोड 23 के बारे में जो कि प्रोजेक्ट एनालिसिस लास्ट एपिसोड है। तो लेट्स बिगिन। वैसे ये एपिसोड स्टोरी लाइन से कुछ ज़्यादा मतलब खास नहीं है, जिससे कुछ ज़्यादा मेजर चीज़ कुछ नहीं होती हैं, बस आपसे एक एंडिंग टाइप कह सकते हैं पूरी सीरीज के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, मतलब प्रोजेक्ट एक्लेशन की एंडिंग। तो मतलब इस एपिसोड की शुरुआत में जो रिंकू होती है वो बहुत ज़्यादा कॉल करते रितु को, जो एलिसी में गायब हो गई थी पार्टी के बीच से ही। तो जब उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल रहा होता है तब उसकी मतलब डोर बेल रिंग करती है। जब देखते हैं वहाँ पर एक मतलब डिलीवरी आई थी कुरियर की, जिसमें कोई नहीं बल्कि रात कंपनी से ही आई थी। और जब उसे खोल के देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, जो उस पैकेज में कोई और नहीं बल्कि एलिसी थी। उसने अपने आप को ही वहाँ के लिए मेल कर लिया था। उसके बाद मतलब उसे कपड़े भी याद देता है, उसे चार्ज करता है और उससे मतलब बताता है कि मतलब कैसे वहाँ पे अकेले था वो अंडरवर्ल्ड के अंदर अस्मा के साथ। और इससे मतलब एलिस बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो वहाँ पे अकेले रह गए थे दोनों। तो मतलब उसके बाद कन्वर्ट करता है एलिस को और रिंगो को बताता है कि मतलब वहाँ पे ठीक है वो। तो उसके बाद दिखाते हैं फैमिली डोजो, जहाँ पे दोनों अपनी एक ड्यूल करते हैं वुडन स्वॉर्ड की मदद से। लेकिन जब लड़ रहे होते हैं वो दोनों उसकी स्वॉर्ड टूट जाती हैं। तो उसके बाद उसे बताती हैं कैसे मतलब इस वर्ल्ड में वह रह सकती है जो उसका रियल वर्ल्ड था, और कैसे मतलब तब तक यहाँ पर रही है जिसके पास कोई एम है, मतलब बिना एम के वैसे कोई रह नहीं सकता, इसलिए उसके पास एक एम होना ज़रूरी था। तो इसके बाद उनकी फैमिली मीटिंग होती है रात को, जहाँ पर रितु माफ़ी मांगता है अपने मॉम और डैड से और बोलता है कि मतलब उनकी वजह से बहुत दुख देखना पड़ा है। और उसे बताता है कि अपना सपना क्या है बेसिकली उसका, तो वो जानना चाहते इलेक्ट्रिकल चीज़ में ताकि जो AI थे उनमें ढंग से ला पाए वो ह्यूमन टेरिटरी के अंदर, और ताकि मतलब जो घुल मिल के रास्ते ह्यूमन और AIs। तो मतलब यही उसका आइडियली सपना था। तो मैंने रात को सो रहे होते तब उसके रूम में आती एलिस, उसे बताती है कैसे उसे एक मैसेज आया, ईमेल टाइप आया क्रिप्टिक, जिसे कुछ लोकेशन मार्क की है। इसलिए उठाता है यूई को, जैसे बताते कि जो ये लोकेशन है ये अंडरवर्ल्ड की लोकेशंस हैं और ये मतलब जरिया उस अंडरवर्ल्ड में जाने का। और वैसे रियल लाइफ में अगर हम इसे मैं ट्राई करते हैं नेट पे डालने की, तो वहाँ पे एक फ़ोटो आती है प्रेटिलेशन की, मैं काफ़ी सही एक ईस्टर एग था। तो उसके बाद जाते हैं रैथ कंपनी वो, ताकि वो टेस्ट कर सके मतलब ये सही है चीज़ की नहीं। तो फिर से लॉग इन करते हैं अंडरवर्ल्ड के लिए वो, और जब वहाँ पे जाते हैं तो आउटर स्पेस में जाते हैं और उन्हें एक प्लैनेट दिखता है कार्डिनल, जो कि बेसिकली वही प्लैनेट था जहाँ पर ह्यूमन एम्पायर आता था। तो उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचते हैं स्पेस में, तो वहाँ पे दो लोग रॉनी और टीजी डिसेंडेंट जो होते हैं वो लड़ रहे होते हैं एक एलियन टाइप से, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब था, अब बेसल हॉरर। तो मतलब बहुत ज़्यादा उसे मतलब ओवरपावर हो रहे होते हैं और मतलब लास्ट में रिजॉर्ट करते हैं एक सुसाइड बॉम्बिंग करने का। लेकिन वहाँ पर क्रीतो आता है, उसे मैं तलवार थोड़ा काटता है और जो एलिस और असुना थे उसे मैं लास्ट में फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद जब वहाँ पे रॉनी और टीजी डिसेंडेंट थे वो पहचान लेते हैं उन तीनों को कि स्टार किंग और स्टार क्वीन और एलिस हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो आते हैं इस चीज़ से वो। तो उसके बाद वहाँ पर दिखते थोड़ी ईजो की झलक भी, जिसे मैं सब वहाँ पर रोने ले जाते हैं। और लास्ट में एक और चीज़ दिखती है कि मतलब फिर से लौट के आएगी मतलब वो लोग, और इस बात में स्केल बहुत बड़ी हो जाएगी और यहीं पर मतलब एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब एपिसोड खत्म होने वाला होता है उसकी क्रेडिट्स में दिखाती है एक और बड़ी चीज़, जो कयाबन रोबोट यूज़ होता है नाइमोन, मतलब ये पानी के अंदर ही था और जो जुड़ा था केबल की मदद से। और उसके बाद जो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक ब्लास्टर रखा होता है एक जगह पे, वो अपने आप ही ऑन हो जाता है। तो मतलब वहाँ को बताना चाहती कि जो कयाब था वो फिर से मतलब वापस आ जाएगा, जो काफ़ी सही चीज़ थी। तो सबसे बड़ा सवाल था इसके बाद क्या होने वाला है। तो बेसिकली इसके आने के बाद एक मूवी आई थी सॉर्टेड प्रोग्रेसिव, उसका पहला पार्ट आया था और दूसरा पार्ट सिक्रॉस ऑफ डार्क डस्ट इस साल आने वाला है। लेकिन उसकी स्टोरी है वो फर्स्ट सीजन की होने वाली है, तो मतलब ये तो कोई मतलब लिंक नहीं रखती मेन सीरीज से। तो उसके बाद जो अपनी मेन चीज़ है वो है मून ट्रेडल आर्क, जो कि बेसिकली उन्होंने 2 साल बिताए थे अंडरवर्ल्ड में उसके ऊपर है। मतलब काफ़ी सही रहेगा इसको जब एनिमेशन मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो हुआ था वो हमें बिल्कुल पता नहीं, यहाँ पे क्या सीन किया था उन लोगों ने और कैसे बने थे स्टार किंग और स्टार क्वीन। तो मुझे काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। और अपना फाइनल जो आर्क है यूनिटल आर्क, यूनिटल रिंग आर्क सॉरी, जो कि एक और गेम के ऊपर होगा जो कि यूनिटल रिंग गेम है। तो मतलब उसमें भी फिर से फंस जाएंगे लोग, और मतलब काफ़ी तेज़ी से स्टोरी मुझे लग रही है। तो मैं देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। तो फिलहाल आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ 2 आर्क रह गए हैं, एक मून क्रेडल और एक यूनिटल रिंग, तो और उसके बाद में पूरी चीज़ खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सायोनारा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।